वेलकम बैक टू माय चैनल, हाउ आर यू ऑल, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक ब्राइडल मेकअप लुक, वो भी बहुत ही इजी वे पे। मैंने हिमालया का वेट वाइप से अच्छे से स्किन को साफ कर लिया। उसके बाद ये बर्टिक का कुकुम्बर टोनर है, उसे मैंने अपने पूरे फेस और नेक पे अप्लाई कर लिया। उसके बाद फिर मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया। कभी भी आप मेकअप कर रहे हो तो इन तीन बातों का हमेशा ध्यान रखेंगे, CTM, अपने फेस को क्लीन करना है, टोनर यूज करना है एंड मॉइस्चराइज करना। मॉइस्चराइज तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत ऐसा मेकअप होता है जिसमें क्या होता है, फेस बहुत ड्राई हो जाता है, तो उसी ड्राइनेस को हटाने के लिए अपने स्किन को प्रेप करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद प्राइमर, प्राइमर के जगह पे आप, अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो आप इसके जगह पे एलोवेरा भी यूज़ कर सकते हैं। अधिकतर तो मैं एलोवेरा ही यूज करती हूँ, बट यहाँ पर मैं इनसाइड का प्राइमर यूज कर रही हूँ। उसके बाद अंडर आई के डार्क सर्कल को, जहाँ जहाँ पिगमेंटेड एरिया है उस जगह को हाइड करने के लिए ये इनसाइड का जो कलर करेक्शन पैलेट है उसी से मैंने ऑरेंज कलर पिक किया है। उसके बाद फिर मैंने अंडर आई एरिया पे और उसके बाद ओठों के किनारे जो कि थोड़ा थोड़ा पिगमेंटेड मिला है तो मैंने वहाँ पर अप्लाई किया। उसके बाद हाथों से ही उसे, मतलब फिंगर के हेल्प से ही उसे मैंने ब्लेंड कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर, यहाँ मेरे पास ये क्लिप नहीं रहा, पता नहीं मैंने उसे रिकॉर्ड नहीं किया था। मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ लैक्मे का फाउंडेशन, वो मैंने पूरे अपने फेस पे ब्रश से ही अप्लाई कर लिया था। उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से इसे मैंने अच्छे से फिक्स कर लिया। ब्रश से क्या होता है, बहुत जगह ब्रश के दाग दिखने लगते हैं, उसे ही ब्लेंड करने के लिए ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करती हूँ। अपने फेस के हाइलाइटेड एरिया को हाईलाइट करने के लिए मैं स्विस ब्यूटी का ये हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, जो कि मेरे स्किन टोन से ये दो टोन फेयर है। इसे अप्लाई करने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर से इसे उसी जगह पे ब्लेंड कर देना है। इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे, ऊपर ऊपर से दिखना नहीं चाहिए। अच्छे से ब्लेंड होने से आपका मेकअप भी बहुत अच्छा सा निखर के आएगा। फिर उसी इनसाइड के कलर करेक्शन पैलेट से ही मैंने एक डार्क मरून शेड, जो ये कंटूर के लिए यूज़ किया जाता है, उसे मैंने पिक किया। और उसके बाद मैंने इसे जहाँ जहाँ कंटूरिंग एरिया है, जो अपने स्किन को शार्प दिखाने का जो एरिया होता है, उसे मैंने कंटूर किया। तो सबसे पहले मैंने अपने नोज़ को कंटूर किया। नोज़ तो कंपलसरी है, नोज़ को कंटूर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपने चिक्स को मैंने कंटूर किया। चिक्स कंटूर को, क्योंकि मेरा राउंड फेस है, राउंड फेस में हमेशा ऐसे ही कंटूर किया जाता है। जो मेरा आईबॉल है बस वहीं तक ला के छोड़ना है, आगे नहीं आना। आगे लाएंगे तो क्या होगा, और चबी चबी मेरा चिक्स दिखेगा, इसलिए ये बस आईबॉल का कॉर्नर एरिया है, बस वहीं तक लेके आना है। उसके बाद फिर ब्यूटी पैलेट से ही इसे मैंने उसे ब्लेंड कर दिया। दिखना नहीं चाहिए, शार्प लाइन बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने यहाँ लूज पाउडर यूज किया है इनसाइड का। लूज़ पाउडर लगाने के बाद मैं इसे बेकिंग करने के लिए छोड़ दूँगी। जब तक ये बेक करेगा तब तक मैं अपने आई लुक को क्रिएट करूँगी। तो यहाँ मैंने म्यूज़िक फ्लावर का ब्राउन कलर का जो शेड होता है वो लेकर अपने आईब्रो को अच्छे से फिल करूँगी, उसे अच्छा सा शेप दूँगी। ये जेल एनालर है, ये दो मुझे मिला था, एक ब्लैक में एक ब्राउन में। उसके बाद फिर मैंने ये कलर पैलेट से एक डार्क पिंक शेड कलर का कलर पिक किया है। उसके बाद आउटर कॉर्नर से लेते हुए राउंड राउंड सर्कुलर मोशन में इसे मैंने अपने आईलिड पे पूरा लगा लिया है। मतलब क्रीज एरिया है वहाँ पर मैं लाइट पिंक कलर का शेड लेके उसे ब्लेंड कर दूँगी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर वाइट कलर का एक बेस लिया है कंसील करने के लिए, जिससे मेरा क्या होगा, कलर बहुत ही अच्छे से पॉपअप होके आएगा। इसे मैंने अपने पूरे आईलिड पे अप्लाई कर लिया है। उसके बाद इनर कॉर्नर पर मैंने येलो कलर का कलर पिक किया है, जिससे क्या होगा, वो हाईलाइट होके मेरे आई लुक को बहुत ही अच्छा सा एक लुक देगा। फिर मैंने पर्पल कलर का सिमरी शेड लिया है और उसे पूरा अपने लिड पे उसे अप्लाई कर दूंगी। और उसके बाद फिर मैंने सम ग्लिटर ऐड किया है, ग्लिटर जो कि ये पिंक कलर का शेड का था,
उसे मैंने अप्लाई किया था। अपने आई लुक को कंप्लीट किया मैंने आईलाइनर यूज़ करके, जो कि लैक्मे का है लिक्विड लाइनर। उसके बाद फिर मैंने, क्योंकि मुझे फॉल्स लेसेस लगाना है, इसके लिए मैं यहाँ पर मास्क का मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ अपने आईलिड पे भी और लोअर लेस लाइन पे भी, लोअर लेस पे भी। फिर मैंने एक पिंक कलर का सेड लिया है, डार्क पिंक, नॉट पिंक, लाइट पिंक। उसे मैंने एज ए ब्लशर यूज़ किया है। फिर मैंने जो लूज़ पाउडर सेट होने के लिए लगाया था उसे मैं डस्ट ऑफ कर दूंगी पूरे फेस पर। फिर बारी लिपस्टिक की। लिपस्टिक लगाने से पहले आउटलाइन ज़रूर लगाएं। आउटलाइन अगर आप डार्क कलर का लिपस्टिक लगा रहे हैं तो डार्क आउटलाइन, और लाइट कलर का तो भी उससे एक दो सेट डार्क ही लगाएंगे तो आपका लिप्स जो है वो बहुत ही अच्छा सा लुक देगा, और उसके बाद क्या होगा वो अच्छा सा सीप भी हो जाएगा। मैंने यहाँ पर पिंक कलर का लिपस्टिक लगाया था जो कि वो बिल्कुल भी न्यूड नहीं था, तो न्यूड करने के लिए मैंने इसमें कंसीलर ऐड किया जो कि अभी बहुत ही वायरल है। आपके पास जो भी कलर अवेलेबल नहीं है न्यूड कलर, तो आप उसी से मिलता जुलता शेड लगा के उस पर कंसीलर ऐड कर देंगे तो वो बहुत ही अच्छा सा न्यूड लुक देगा। उसके बाद फिर मैंने सभी हाइलाइटेड एरिया को हाईलाइट किया है जो कि वेट एंड वाइल्ड का है। अगर आप कभी भी मेकअप कर रहे हैं तो इसे स्किप बिल्कुल ना करें। हाइलाइटर लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप अगर मेकअप किए हैं तो मेकअप आपका मैट लुक देता है, और हाइलाइटर करने से आपका स्किन अच्छा सा हाईलाइट हो जाता है।